इस्लामाबाद से हम ये पहुंच गए अहमदाबाद में। अभी ये टनल क्रॉस करने लगे हम लोग। छोटी सी टनल है, इसके बाद एक बड़ी टनल आएगी। ये अहमदाबाद टनल नंबर 1 है। पिघल के आ रहा है, देखें शामिल हो रहा है पानी दरिया में। ये नीचे नज़र आ रहा है आपको, पहाड़ों की चोटियों से बर्फ़ पिघल के आ रही है। इतना ही खूबसूरत मंज़र, देखें छोटे छोटे नाले आ रहे हैं पानी, और इसकी खूबसूरती में इजाफा आज कर रहा है। सारा पानी नीचे बह के यहाँ पे दरिया में शामिल हो रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे देखें आप। इस वक्त स्नो फॉलिंग हो रही है और बहुत प्यारा मंजर स्नो फॉलिंग का।
बहुत खूबसूरत आपको जुलाई में स्नो फॉलिंग देखने को मिल रही है, हल्की हल्की ऐसे लग रहा है हल्की हल्की रुई गिर रही है। क्या बात है, जुलाई में बर्फबारी। बहुत प्यारी देखें मंज़र आपको नज़र आ रहा है और बहुत तेज़ स्नो फॉलिंग हो रही है। मैं आपको अपने हाथ पे भी करके थोड़ी सी बताता हूँ, गिरती भी नज़र आ रही है मेरी शर्ट के ऊपर, ठंडी ठंडी बर्फ। आज मोरखा 7/7/2023 को हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और देखें जुलाई के महीने में स्नोफॉल भी हो रही है, आपको स्नो नज़र आ रही होगी। और सामने ये लोलूसर झील है, उसका खूबसूरत मंज़र, ये नीचे हमारे देखें स्नोफॉल भी हो रही है साथ साथ और झील का खूबसूरत मंज़र भी आपके सामने है। बड़ी ज़बरदस्त है जी, अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। आज हमें उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी यहाँ पर बर्फबारी शुरू होगी जुलाई के महीने में। हम लोग वहाँ पर गर्मी से तंग होकर यहाँ पर आए हैं, कुछ थोड़ा सा बेहतर होगा। माशाल्लाह पाकिस्तान में एक साइड पे 48 डिग्री टेम्परेचर और दूसरी साइड पे ये बर्फ पड़ी है, एंजॉय कर रहे हैं। कमाल हो गया, कुदरत के नज़ारे, जन्नत के नज़ारे हैं ये। ओए ओए ओए, इतनी तेज। देखें खूबसूरत मंजर, एक दफा पहले हमें ऐसा मौसम मिला था। हाँ जी शाह साहब, आपने देखे जी स्नोफॉल हो रही है और ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा नेचुरल रिजर्वायर है, 11,200 फीट की बुलंदी पे है इस वक्त। और लास्ट ईयर भी हम आए थे तो बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन इस दफ़ा देखें अल्लाह की कुदरत, इसी साल इसी महीने जुलाई के महीने में देखें कितनी शदीद बर्फ़बारी हो रही है यहाँ पे भी। और हम शदीद सर्दी में खड़े हैं यहाँ पे इस वक्त, बहुत सख्त सर्दी है। और देखें सामने पानी है, वो सामने ग्लेशियर अभी भी पिघल रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। आगे चल के देखते हैं, आगे ख़तरनाक है, ज़रा कीचड़ है, एरिया है, ज़रा एहतियात से चलें। वैसे फिसल के सीधा झील में ही बना रहे हैं ये क्योंकि एक नेशनल आपका पार्क कंसिडर किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप गन वगैरह ना किया करें, कोशिश करें कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सुथरा रखें इस जगह को। ये हमारे कुछ मजीद साथी आ रहे हैं, काशिफ और इसरार भाई। ऊपर से शदीद सर्दी है और बर्फबारी भी हो रही है। काशिफ, हाँ जी, कैसा कर रहे हैं शहजाद साहब? शहजाद भाई, ठंडा और स्नोफॉल लाइव चल रहा है तो सर्दी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी बहुत ज्यादा है हमारे गाड़ी में भी, जब भी मतलब आप ट्रैवल करें इस साइड पे मतलब बाबूसर टॉप की तरफ, तो आपको अपने साथ चादर जैकेट गर्म बेशक गर्मी भी हो रखना चाहिए, यहाँ पे किसी भी टाइम पे मौसम चेंज हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल है जी, देखें बहुत प्यारा मंजर है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए पीछे गिर जाएगा सीढ़ी से।
साहब क्या बात है सर जी, हम फुल एंजॉय कर रहे हैं मतलब स्टॉप पे और फ्री फ्री के लास्ट ये पैच रह गया थोड़ा सा। देखें ये हम रोड साइड ग्लेशियर्स देख रहे हैं, ग्लेशियर बिल्कुल रोड के ऊपर आया हुआ है तो गाड़ी के साथ पैच कर रहे हैं। देखें काफ़ी बड़ा पीस है, और पीस आया जी ग्लेशियर है। तो यहाँ पे आपको जगह जगह नजर आए ग्लेशियर्स, क्योंकि इस जगह टेम्परेचर वैसे ही इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कम है। तो तरफ भी है और ये काफी बड़ी जगह है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहनत है, गर्मियों में बर्फ देखने को मिल रही है, ऊपर से मजीद स्नो फॉलिंग हो रही है। देखें ग्लेशियर के ऊपर ताज़ा बर्फ पड़ी नजर आ रही है। देखें जी ऐसे लग रहा है कि दूध की नहर ऊपर से आ रही है, और ये असल में ग्लेशियर पिघल रहा है और स्नो की तरह वो लग रही है। देखें ये खूबसूरती अपनी यहाँ पे आपको गर्मियों में स्नो फॉल देखा, अपना एक नज़ारा सामने देखें, सफ़ेद माउंटेन्स जो है ना वो सामने नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ से हम राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेंगे तो फिर आपको मंजिल भी काफ़ी सर टॉप पर वो जारी है। ये देखें आपको खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। अभी हमारा दिल कर रहा है कि हम बाहर निकल के अभी कोई स्नो से खेलें, लेकिन बाहर इतनी शदीद सर्दी है कि हमारा जो है ना वो दिल नहीं कर रहा कि गाड़ी से गर्म माहौल को छोड़ के बाहर निकले। देखें सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है बाबू सर के पहाड़ों में, और ये बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ पड़ी है। अभी आपको बिल्कुल सामने सब कुछ नज़र आ रहा है, क्लियर अभी भी आपके सामने स्नो फॉलिंग हो रही है। ये देखें जी आपके सामने से भी स्नो सामने वाला जो पहाड़ आ रहा है वो दिखाएंगे। क्या बर्फ पकड़ ही लिया है, थोड़ा सा हाथ मारा आपने बर्फ बंद हो गया।
ये ऊपर बाबू सर टॉप जाते हुए, अभी हम गिटी दास के एरिया में हैं, तो ये सामने चेक पोस्ट है। बर्फ़बारी शदीद होने के बाईस जो है इन्होंने अभी रोक लिया तकरीबन तमाम गाड़ियों को। ये हमारी गाड़ी है लास्ट वाली, तो ऊपर चेक करें, बहुत प्यारा व्यू है। अभी उनका ये कहना है कि काफ़ी सारी गाड़ियों को इकट्ठा भेजेंगे क्योंकि आज आगे रास्ता ख़तरनाक है, तो आठ आठ दस दस गाड़ियों को इकट्ठा जो है यहाँ से रवाना करेंगे ताकि इनकेस रास्ते में कोई हादसा होता है तो बाकी लोग हेल्प करने के लिए मौजूद हों वहाँ पर। बाबू सर टॉप से डिस्ट्रिक्ट जहमीर की तरफ नीचे जाते हुए जिलास की तरफ, ये रोड जो है बर्फ़ से भरी हुई है, काफ़ी स्लिपरी भी है, तो स्पेशल प्रिकॉशन जो मैंने लिए हैं कि ब्रेक कम से कम इस्तेमाल करनी है, ब्रेक की पर गाड़ी लेकर जानी है, और ये सारे पहाड़ अभी बाबूसर टॉप पहुंच गए हैं। अभी यहाँ देखें आप, बर्फ़ की बर्फ़ है और देखें अभी बर्फ़ पड़ रही है ताज़ा ताज़ा, इस वक्त ये हालत है देखें। और ये मेन पॉइंट है बाबूसर टॉप का, सियाहों की काफ़ी ज़्यादा रश है। ये बाबूसर टॉप का बर्फ की वजह से रुक नहीं सके क्योंकि आगे फिर रास्ता ब्लॉक होने का खतरा है, हमने फिर जाना है। आगे जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं आगे बिल्कुल विजिबिलिटी ना होने। टायर से निकलते हुए देखिए